जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर जर्नी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ चारबाग से उत्तर रेलवे 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुल्तानपुर जंक्शन के बारे में। यह चार प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। सुल्तानपुर की जो समुद्र तल से ऊँचाई है दोस्तों, वो 94.64 मीटर है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तानपुर के रेलवे स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल भास्कर जर्नी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया आपको पहले ही, लखनऊ चारबाग से उत्तर रेलवे 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन है। ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य है। आप जहाँ पे अपनी कार या बाइक को पार्क कर सकते हैं, और स्टेशन के बाहर का ये दृश्य है। आप देख सकते हैं वहाँ पे, आप लेफ़्ट साइड में इसके जो है यहाँ पे आपको दिखा दें, ये रहा ये स्टेशन के बाहर का पूरा दृश्य था। अब दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर, आइए हम आपको अब अंदर की ओर लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ की जो शेड्यूल है, समय सारणी है, हम आपको वो दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लगा है सभी ट्रेनों का आने जाने का जो समय सारणी है, यहाँ पे सब लगा है सुल्तानपुर समय सारणी। यहाँ पे दो बोर्ड लगे थे, एक ये है, एक हमने आपको पहले दिखाया। आप देख सकते हैं साफ साफ अक्षरों में लिखा है। हमने वहाँ से एंट्री लिया और हम स्टेशन परिसर के अंदर आ गए। आइए हम आपको स्टेशन परिसर के अब अंदर लेकर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हम इस समय स्टेशन परिसर के अंदर आ गए हैं, और ये जो है ये प्लेटफार्म नंबर 1 है। इस समय हम अभी फ़िलहाल प्लेटफार्म नंबर 1 पर आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा है, और इधर आप देख सकते हैं GRP है। यहाँ पे साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी हम प्लेटफार्म नंबर 1 पर चल रहे हैं। उस साइड में वो प्लेटफार्म नंबर 2, 3, उधर 4, हम अभी आपको बारी बारी से सभी प्लेटफार्मों पर लेकर चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे हर प्लेटफार्म चेंज करने के लिए जो है ये दी गई है लिफ्ट, और इस बगल में फ्लाईओवर जो ब्रिज है ये दिया गया है। तो आइए हम आपको ब्रिज की सहायता से ऊपर लेकर चलते हैं। देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे ब्रिज की सहायता से ऊपर आ गए हैं। ये लिफ्ट है, यदि आप सीढ़ी जो है चढ़ने में असमर्थ हैं तो आप लिफ्ट का यूज कर सकते हैं। आप ऊपर से देख सकते हैं सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का कुछ दृश्य ये है। ये प्लेटफार्म नंबर 1 था, और इसके जस्ट बगल में हम आपको दिखा रहे हैं जूम करके ये प्लेटफार्म नंबर 2, यानी 1, 2 इधर हैं, और आइए हम आपको दिखाते हैं प्लेटफार्म नंबर 3, 4 इस साइड में। ये प्लेटफार्म नंबर जो है 3 है, देख सकते हैं, और इसके उधर जो ये पटरियाँ हैं इनको छोड़कर, 3 पटरियों को छोड़कर उधर वो प्लेटफार्म नंबर 4 है। प्लेटफार्म नंबर 4 से ही अहमदाबाद बनकर चलती है यहाँ से सुल्तानपुर से, जो ये रूट लखनऊ से आया है। इधर का जितना भी रूट है ये सब लखनऊ की तरफ से आए हैं। इसके ये रूट आप देख सकते हैं, ये लखनऊ चारबाग से होते हुए आया है। आइए हम आपको अब ये लेफ्ट साइड का जो है दृश्य है, हम आपको अब राइट साइड का दिखाते हैं इस बगल से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो रूट आगे चल के प्रतापगढ़ और जौनपुर के लिए चला गया है, आगे से रूट जो है वो डिवाइड हो गया है। यहाँ से ये प्लेटफार्म नंबर 3 और 4, यहाँ से जो रूट हैं वो आगे जाके जौनपुर के लिए मुड़ गए हैं और प्रतापगढ़ के लिए। चलिए दोस्तों हम आपको नीचे की तरफ लेकर चलते हैं। हम प्लेटफार्म नंबर 2 पर आ गए इस समय। ये प्लेटफार्म नंबर 2 है, और इसके जस्ट बगल में प्लेटफार्म नंबर 3, आइए हम आपको लेकर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लेटफार्म नंबर 3 है। साफ सफाई का काफ़ी विशेष ध्यान रखा गया है, यहाँ पे सफाई बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। ये जो गाड़ी आ रही है ये लखनऊ चारबाग की तरफ से चलकर आ रही है। वैब 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और इसमें जस्ट पीछे वैब 7 भी लगाया है। ये उच्च क्षमता पार्सल यान गाड़ी है, लखनऊ चारबाग की तरफ से चलकर आ रही है।
जो हाई कैपेसिटी व्हीकल होते हैं वाहन, वो लगा इसमें। दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हम प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ गए हैं। ये जो सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है, वहाँ पे वो आगे देख सकते हैं जो वो खड़ा है वैगन 9 इंजन हरा कलर, और इधर में वो WDG3 है वो खड़ा है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।